नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इंडियन रोजगार यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन में बम्पर भर्तियां निकल चुकी है, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ पोस्ट जो है निकाली गई हैं। इस वीडियो में आपको सारी महत्वपूर्ण बातें बताऊँगा, जैसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कब से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हैं, क्या लास्ट डेट रखी गई है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी एज लिमिट रखी गई है, सारी बातें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक देखते रहिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारे पास जो सीबीएसई द्वारा निकाला गया ऑफिशियल रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, यहां पर आप देख सकते हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं पोस्ट की, तो यहां पर जो है कई पोस्ट निकाली गई हैं। कुल मिलाकर दोस्तों 350 से भी ज्यादा पोस्ट यहां पर निकाली गई हैं। अगर बात करें दोस्तों कौन कौन सी पोस्ट हैं, तो यहां पर ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी की पोस्ट रखी गई है। अगर दोस्तों यहां पर मैं आपको बात करूं पोस्ट की और इनकी क्वालिफिकेशन की, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो 15 नवंबर से शुरू हो चुके हैं और लास्ट रखी गई है 16 दिसंबर। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इस बीच आप जो है ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों, 15 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 16 दिसंबर रखी गई है, तो आप जरूर से अप्लाई कर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पोस्ट की और कौन कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन रखी गई हैं। तो यहां पर दोस्तों सबसे पहली जो पोस्ट हमारे पास आती है वो आती है असिस्टेंट सेक्रेटरी की। दोस्तों, असिस्टेंट सेक्रेटरी की पोस्ट है, इसमें बात करें क्वालिफिकेशन की, तो बैचलर डिग्री आपके पास कम से कम होनी चाहिए और एक्सपीरियंस भी में मांगा गया है। उसके बाद दोस्तों असिस्टेंट सेक्रेटरी आईटी में भी आपके पास बैचलर डिग्री, आपके पास बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी बीई होना चाहिए, बीटेक या फिर एमएससी, या फिर आपके पास एमसीए होना चाहिए। उसके साथ ही साथ दोस्तों आपके पास यहाँ पर एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। मैक्सिमम एज दोनों ही पोस्ट के लिए 40 ईयर्स रखी गई है। उसके बाद दोस्तों एनालिस्ट आईटी के लिए आपके पास बीई, बीटेक, आईटी में, एमएससी, आईटी में, एमसीए होना चाहिए और 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों जो एज लिमिट है वो मैक्सिमम 35 ईयर रखी गई है। उसके बाद जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर यानी जेएचटी की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होने चाहिए, मैक्सिमम एज दोस्तों 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड आपकी 40 वर्ड पर मिनट होने चाहिए और आपको कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। मैक्सिमम इसमें एज जो है 30 ईयर रखी गई है। उसके बाद अगली पोस्ट स्टेनोग्राफर की है, जिसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए और एज लिमिट 18 से 27 साल रखी गई है। उसके बाद अकाउंटेंट की पोस्ट है, इसमें दोस्तों आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ दोस्तों आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 30 ईयर होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें जूनियर असिस्टेंट की, सबसे ज़्यादा पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट की, इसमें आपके पास जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो 10+2 होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड भी होनी चाहिए। एज लिमिट दोस्तों 18 से 27 साल इसमें रखी गई है। उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट की जो पोस्ट है, इसमें आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपके पास 27 साल होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 3 साल का आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें एग्जामिनेशन फीस की, तो आपकी जो एग्जामिनेशन फीस है वो केवल और केवल अनरिजर्व्ड मेल कैंडिडेट, ओबीसी मेल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रखी गई है। दोस्तों, अगर इन कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और ग्रुप ए पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 1500 रुपये फ़ी पे करनी होगी। अगर आप दोस्तों ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको 800 रुपये फ़ी पे करनी होगी, जिसे आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं। दोस्तों, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, वुमेन, रेगुलर सीबीएसई एम्प्लॉय के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर नहीं रखी गई है, उनको जो है यहाँ पर फ़ीस नहीं देनी है। दोस्तों, फ़ीस को आप ऑनलाइन मोड में पे कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है पे कर सकते हैं। दोस्तों, आपकी जो पोस्टिंग रहेगी वो यहाँ पर जो है इंडिया की मेजर सिटीज़ में रहेगी, जैसे कि दिल्ली, नोएडा, देहरादून, पंचकुला, चंडीगढ़, इलाहाबाद, पटना, उसके बाद भुवनेश्वर, गुवाहाटी, उसके बाद चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, पुणे, बेंगलुरु, अजमेर और भोपाल, यहाँ पर आपकी जो है पोस्टिंग रहेगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपका जो है एग्जामिनेशन सिलेबस दिया हुआ है, आपका पैटर्न दिया हुआ कि किस प्रकार आपका सिलेक्शन होगा, ये सारी बातें आपको नोटिफिकेशन में बताई गई हैं। दोस्तों, ज़रूर से इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कर दीजिएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट 16 दिसंबर है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सीबीएसई से जुड़ी पल पल की अपडेट्स के लिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।